हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और आज मैं यहाँ पर रिव्यू करने जा रही हूँ। मेरे पास वेगा का ये है, मतलब वेगा का जो है इसमें मेरे पास स्ट्रेटनर है और ड्रायर है और कर्लर है, तो मैं ये सभी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली मैंने इसे 1 ईयर पहले परचेज़ किया था, तो मैं आज इसका रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि 1 साल बाद भी क्या ये वैसा ही काम करता है जैसा कि मैं 1 साल पहले ये काम करता था। तो मैं सारा आपको इसकी पैकेजिंग भी दिखाऊंगी और इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है हमें हेयर्स पर और किस तरह से। और ये जो कर्ल मैंने किया हुआ है, वैसे ये इसी कर्लर से किया हुआ है, इसका एक कर्लर है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको सारा एक एक करके सभी पूरी पैकेजिंग दिखाऊंगी और किस तरह से ये वर्क करता है, तो मैं सारा आपको दिखाऊंगी। चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन अ वीडियो। सो आप देख सकते हैं ये है वेगा का मिस वर्सेटाइल स्टाइलिंग सेट, और इसमें जो वारंटी है वो 2 ईयर्स की दी हुई है। और ये एक कॉम्बो सेट है जिसमें हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर, ड्रायर सभी है। और इसमें ये सभी बताया हुआ है कि ये सेरामिक कोटेड प्लेट्स हैं इसमें, और 19 mm का इसमें डायमीटर है जो कर्लर है। 1000 वॉट का हेयर ड्रायर है ये। और बाकी अगर इसमें बात करें, ये सभी इसमें मेंशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है हर चीज़ को, कि जो प्लेट्स हैं वो सेरामिक प्लेट्स हैं, बाकी जो ड्रायर है वो फोल्डेबल हैंडल है उसका, और इसके बैक पर सब अच्छे से फीचर्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं कि जो हेयर ड्रायर है वो 220 टू 240 वॉट तक का है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बता रखी है इसकी, और 1000 वॉट से 1200 वॉट तक के लिए। तो बाकी बहुत अच्छा सब कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम बात करें इसके प्राइस की, प्राइस इसके ऊपर लिखा हुआ है 2599, मीन्स 2600 के आसपास का लिखा हुआ है, बट मुझे डिस्काउंट में ये 1200 का मिला था। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। तो और इसके ऊपर अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि ये मैंने इसको परचेज़ किया था तो 2019 में परचेज़ किया था, मतलब तब का मैन्युफैक्चर है और अब तक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो एक बार मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से है। तो ओपन होने के बाद इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है कि इसमें ड्रायर रखा हुआ है और बहुत अच्छे से पैक्ड है ये। इसमें मैनुअल्स दिए हुए हैं सभी, जिसमें सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ पर, मतलब किस तरह से हमें इसे यूज़ करना है, वार्निंग वगैरह सब कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ है जो ये मैनुअल हमें दिए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये अभी भी ऐसे ही पैक है, क्योंकि मुझे अपने हर हर चीज़ को, मतलब मैं इतने अच्छे से ही पैक करके रखती हूँ, किसी भी चीज़ का बॉक्स नहीं फेंकती। तो अगर मैं इसको 1 साल बाद भी देखूँगी तब भी ये एकदम से नया ही लगेगा। तो बाकी इसमें सब कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ है, वो आपको दिख जाएगा, आपको इस पर सभी मैनुअल जो हैं वो मिल जाएंगे। ये एक इसका वारंटी पेपर दिया हुआ है। तो जब हम इसके ड्रायर को ऐसे ओपन करते हैं तो इसमें ऐसे साउंड आती है, मतलब बहुत टाइटली पैक्ड है ये, अच्छा है। तो इस तरह से इसमें ये जो फोल्डेबल फीचर है ये इसका काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो ये आगे नोज़ल लगी हुई है ये भी रोटेट हो जाती है, बट जो इसकी वायर है वो 360 डिग्री पर नहीं रोटेट होती है, मतलब वो वायर जो है वो स्ट्रेट ही है इसकी, ये रोटेट नहीं होती है। और नोज़ल भी इसका काफ़ी अच्छा वर्क करता है और प्रोसेसिंग इसकी अच्छी है, और मैं इसको पिछले 1 साल से ही यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें ये ऑन ऑफ़ का बटन दिया हुआ है जो कि मतलब सही प्रोसेसिंग करता है, कोई लूज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा है और अच्छा अच्छे से ये ऑन ऑफ़ हो जाता है। मैं इसको सबसे पहले इसमें इसके बटन को नीचे की तरफ ऑन कर रही हूँ, तो आपने इसकी साउंड को सुना होगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट ऊपर की तरफ बटन को ऑन कर रही हूँ,
तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा जो है ये वर्क करता है, काफ़ी अच्छा मतलब जो इसकी प्रोसेसिंग है वो बहुत अच्छी है और एकदम से हीट हो गया है ये यहाँ से, मतलब बहुत अच्छी हीटिंग प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छा है। मुझे तो अच्छा लगा, मतलब 1 साल के बाद भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बट कभी कभी ये दिक्कत दे देता है कि ये काम करना बंद कर देता है, बट आई थिंक ये जब काफ़ी हीट हो जाता है तो ये काम करना बंद कर देता है। बट जब उसके कुछ सेकंड्स बाद या मैं प्लग को स्विच ऑफ कर देती हूँ तो उसके बाद ये फिर से रेगुलर वे में काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जो मुझे इसका ड्रायर है वो तो मुझे सही सही लगा, मतलब बीच में रुक जाता है, बस वो थोड़ा बैड पॉइंट लगा इसका। बट ऐसे तो खैर कोई दिक्कत तो नहीं दी, ये फिर से चल पड़ता है तो अब ऐसा पता नहीं क्यों होता है। और ये है इसका स्ट्रेटनर, तो स्ट्रेटनर में आप देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह से ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है, 360 के एंगल पर रोटेट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वायर भी इसकी काफ़ी लंबी है और बस इसमें एक बैड पॉइंट है कि हम जब इसको प्लग पर लगाते हैं तो हम इसके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और जो इसका और ये बस इतना ही ओपन होता है, इससे ज़्यादा ओपन नहीं हो पाता। और जो इसमें प्लेट्स देख रहे हो, ये जो है प्लेट्स इसकी थोड़ी कम जो है वो वाइड कम है, बट ठीक है कि ये बालों को अच्छा स्ट्रेट करता है। मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से यूज़ करना है इसको। और इसमें एक बटन लगा हुआ है यहाँ पर जिसको हम ऐसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, बट बस यही इसमें एक बैड पॉइंट है कि हम इसका टेम्परेचर को खुद से मेंटेन नहीं कर सकते। और ये थोड़ा सा हीट हो जाता है तो उस टाइम पे अगर ज़्यादा हीट लगे तो स्विच को ऑफ़ करना ही सही रहेगा, बालों को ज़्यादा भी हीट नहीं प्रोवाइड करनी। और वैसे तो खैर अच्छा है, स्ट्रेट कर देता है, तो ये तो अच्छा लगा वैसे मुझे। तो 1 साल बाद भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये, मैं इसको यूज़ करती ही रहती हूँ। तो एक बार मैं आपको इससे हेयर स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैंने आज हेयर वॉश किया था तो उसके बाद मैंने हेयर सीरम अप्लाई कर चुकी हूँ, तो ये स्ट्रेट करने के बाद काफ़ी अच्छे बाल को स्ट्रेट कर देता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है इसका कर्लर है और ये भी 360 के एंगल पर रोटेट होता है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये रोटेट हो जाता है, क्योंकि कुछ कर्लर ऐसे होते हैं कि जो कि ऐसे रोटेट नहीं होते हैं। तो ये इसमें आगे एक बटन दिया हुआ है जो कि क्या करता है कि जब हम प्लग को ऑन करते हैं तो ये लाइट जो है ऑन हो जाती है, और उसके बाद अगर हम इसको क्लोज़ करना चाहे तो बटन को ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब जैसे अगर प्लग स्विच ऑन है बट हम यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और दूसरा जो इसमें मुझे गुड पॉइंट लगा, इसमें ये एक स्टैंड दिया हुआ है, तो जो ये स्टैंड दिया हुआ है ना, हम जैसे कि हीट हो जाता है, हम थोड़ी देर के लिए इसको रखना चाहते हैं तो इस तरह से हम रख सकते हैं इसको, और ये ऐसे नीचे भी टच नहीं करता, मतलब हीटिंग पार्ट ये वाला है ना, तो ये वाला ऐसे नीचे भी टच नहीं करता, क्योंकि इसमें जो ये स्टैंड दिया हुआ है ये बहुत बढ़िया चीज़ इसमें दी हुई है कि ये स्टैंड पर ऐसे हो जाता है, मतलब स्टैंड पर ऐसे रुक जाता है। तो इस तरह से मैं आपको इससे कर्ल करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से कर्ल करता है, और बाकी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। कर्लर तो मुझे इसका बहुत बढ़िया लगा और स्ट्रेटनर भी बहुत बढ़िया लगा, बस मुझे इसके ड्रायर में लगा कभी कभी वो रुक जाता है ऐसे ही चलते चलते, बट उसके 1-2 मिनट के बाद वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है, बट ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि वो रुक जाता है। बाकी इसका मुझे ड्रायर, कर्लर और स्ट्रेटनर जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आपको अपने हेयर्स जो हैं वो एक बार कर्ल करके दिखा देती हूँ। तो इसमें जो ये एक क्लैंप लगा हुआ है और जो इसकी प्लेट्स हैं वो सेरामिक कोटेड प्लेट्स हैं, और आप देख सकते हो कि मतलब ये बहुत जल्दी ही कर्ल कर देता है, काफ़ी अच्छी हीट प्रोवाइड करता है। बट इसमें जो है वो टेम्परेचर को लो करने का ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा ये इसमें है बैड पॉइंट कि अगर काफ़ी हीट हो जाए तो हमें स्विच को ऑफ़ करना पड़ेगा। और वैसे तो ये कर्ल तो बहुत अच्छा कर देता है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, इसका मुझे कर्लर बहुत पसंद आया।
तो आपके सामने ही है, कितने प्यारे कर्ल्स हो गए हैं और मैंने सिर्फ फ्रंट के किए हैं अभी। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।